हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आपने अपना टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, उसमें टाइटल में मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना आईपीएस क्लर्क मेंस का रिव्यू देने वाला हूँ, एग्जाम रिव्यू देने वाला हूँ, जो अभी जस्ट हुआ है मेरा। मतलब सुबह से 8 से 12 बजे तक था, 9 से 12 बजे तक आप समझ सकते हो, ऐसे एग्जाम चल रहा था मेरा। और 12 तक मतलब मैं बाहर आ गया था। 3 घंटे का, 3 या फिर 2 घंटा 40 मिनट का एग्जाम होता है ये, 160 मिनट है ना, 120 मिनट, 2 घंटा हो गया, फिर 40 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कैसा गया एग्जाम उसके बारे में बात करेंगे, क्या मेरे अटेम्प्ट थे उसके बारे में बात करेंगे, है ना। लेवल कैसा था, मॉक टेस्ट के हिसाब से कैसा लेवल था। काफी लोग पूछते रहते हैं कि किस मॉक टेस्ट के लेवल जितना आपका एग्जाम आता है। तो आज मैं सही सही देख के आया हूँ, और मुझे ये पर्टिकुलर एक मॉक टेस्ट का तो नहीं लगा, लेकिन मैं बताता रहूंगा। जितने मैं मॉक टेस्ट देता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ, उससे तो बहुत ही टफ था, है ना। टफ मेरे लिए तो रीजनिंग काफी टफ है। जब मेरे लिए टफ है तो मैं आपके लिए भी समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मेरे अटेम्प्ट भी बहुत कम है। ठीक है, मैथ भी मेरे लिए कुछ खास था नहीं, इंग्लिश ठीक ठाक मैं कह सकता हूँ, और जीए तो मैं बोल नहीं सकता, मेरी तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाती है जीए में। जिनको पता है उनको पता है। ठीक, तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन थे, और मैंने जो क्वेश्चन करे हैं वो 19, ओनली 19। 19 काफी कम है, मुझे पता है आप लोगों के, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी कम है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, आप लोगों के भी 19 से ज्यादा ही अटेम्प्ट हो सकते हैं, है ना। मैथ में भी 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ में भी मेरे 23 अटेम्प्ट हैं, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं है, 23 अटेम्प्ट। तो मतलब आप मेजर देखा जाए तो, मेजर मेजर देखा जाए तो सिर्फ 44 अटेम्प्ट है, 44 अटेम्प्ट है। अब 44 अटेम्प्ट यहाँ पे देखा जाए 200 में से तो कुछ भी नहीं है, 22 मार्क्स का है, 22 मार्क्स, और जो कट ऑफ जाती है वो 40 मार्क्स तक ही जाती है। तो इसमें 18 मार्क्स और लाना है, 18 मार्क्स मुझे लगता नहीं इसमें से आएंगे, लेकिन 40 में से 40 में इसी, ये भी सही हो, ये भी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि कुछ जो मैंने मार्क्स इसमें मार्क करे हैं रीजनिंग में, वो मैंने ऑप्शन देख के मार्क करा है, क्योंकि बन तो पजल तो पजल बन ही नहीं पा रही थी। पेपर पैटर्न कैसा था वो बता देता हूँ आपको, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जीए आता है सबसे पहले, है ना, जीए आता है 35 मिनट का, उसके बाद इंग्लिश आता है 35 मिनट का, फिर रीजनिंग आता है। रीजनिंग में 2 सेक्शन होते हैं, ये आता है पूरा पूरा 45 मिनट्स का आता है। 2 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए सेक्शन में दो 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 मार्क्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, 5 मतलब 10 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 2 मार्क्स के, मतलब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कंटेंट होता है इसके अंदर, बाकी 1 1 मार्क्स का आता है। फिर आता है मैथ, मैथ भी 45 मिनट्स का। मैथ में कुछ नहीं होता, मैथ में सिर्फ सिंगल 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है इसमें भी। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं तो 60 मार्क्स का बन जाता है बस, और कुछ नहीं है। जो इसमें पजल आई थी, पहली पजल जो सभी ने ट्राई करी होगी ऑब्वियसली, और एक तो ट्राई मुझे लगता भी नहीं, स्किप ही करनी चाहिए थी वो तो मेरे हिसाब से। तो एक पजल थी जिसमें 13 लोग बैठे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 लोगों को बैठाना था, 4 लोग खाली थे। ठीक है, 4 लोग आसपास खाली, जो वैकेंट है वो आसपास नहीं है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी इसमें, P7 पे था, P7 पे, P3 छोड़ के J, 3 छोड़ के, 3 छोड़ के J, J या Y, Y था, Y था, Y के इमीडिएट राइट में, Y के इमीडिएट राइट में R था, इमीडिएट राइट एक छोड़ के भी हो सकता है, एक छोड़ के मतलब यहाँ पे वैकेंट हो सकता है, इमीडिएट राइट ये भी हो सकता है, और नोट पे दे रखा था, है ना, यहाँ पे भी इमीडिएट राइट, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, मतलब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी। फिर आर के राइट में जितने लोग हैं उसके एक कम है एम के लेफ्ट से। ठीक है, तो एम मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा कहीं पे, और ये हाउस थे, ये हाउस नंबर है, और ऐसे करके और भी क्वेश्चन दे रखे थे। एम के इधर इमीडिएट में कोई भी खाली नहीं बैठेगा, एक बार एम इधर बन रहा था, एम इधर बन रहा था, और आर अगर उधर है तो बाकी मेरा इधर इधर खाली बन रहा था, फिर यहाँ पे एस, यहाँ पे कहीं पे आसपास टी बन रहा था मेरा, तो कोई मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसे करके बन रहा था। ये पजल इधर बन रही थी, एक पॉसिबिलिटी इसमें बन रही थी, मैंने ऑप्शन देख के फिर मैंने मार्क करे हैं, एक दो क्वेश्चन ही मार्क करे, पूरे 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 5 के 5 मैंने नहीं करे अटेम्प्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन में आते हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको, रीजनिंग में सिर्फ यही एक पजल मुझे दिखी, है ना, प्रॉपर जो पजल कहते हैं जिसको, मतलब एक पजल उसमें 5 क्वेश्चन होना चाहिए, जो प्रॉपर पजल होती वो एक ही थी मेरे हिसाब से। तो बाकी इसकी जो नेक्स्ट पजल थी उसे मैं पजल नहीं कहूंगा, बाकी जितनी पजल आई थी सब अनसर्टेन आई थी। क्या हुआ था उसमें, एक और पजल आई थी, इसमें 2 मार्क्स में नहीं थी, वो सिंगल मार्क्स वाले में थी, अनसर्टेन लोग बैठे हैं एक्स वाई जेड में, फ्लोर पता नहीं है, ठीक है, कितने फ्लोर है ये भी नहीं पता, और हर फ्लोर मतलब हर नंबर ऑफ पीपल भी अलग अलग बैठे हैं, कोई भी सिमिलर नहीं होगा, किसी में सिमिलर फ्लोर भी नहीं होंगे। एक में तो ऐसा हो रहा था कि ए के नीचे जितने हैं उसका 3 गुना जेड के ऊपर है, तो जेड के ऊपर 21 आ रहा था। अब ये जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इस बार लिख के नहीं लाया हूँ, मैं कर ही नहीं पाया था, अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, तो 21 बंदे जा रहे थे, मतलब 21 तो सिर्फ ऊपर है, नीचे भी कुछ होंगे, है ना, बेस भी डिफाइन नहीं था, और मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं था इसमें, बस एक जो ट्रू बोल रहा था वो मैंने ट्रू एक मार्क करके आया हूँ कि वी के ईस्ट में कोई नहीं है, वी जेड वाली पोजिशन में आ रहा था मेरे हिसाब से। तो
ठीक है, तो मैं एक ही मार्क करके आया हूँ। तो मतलब यही दो पजल आप कह सकते हो। बाकी एक मार्क्स की एक पजल आई थी जिसमें था ये कि कौन से सन में पैदा हो रहा है, 6 लोग थे, ठीक है, कौन से सन में डी पैदा हो रहा है, तो डी 1996 में पैदा हो रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। और 10 मेंबर वाली पजल थी ये, सिंगल सिंगल पजल सिंगल मार्क्स, ये भी 10 10 पीपल वाले पर्सन वाली पजल थी, सिंगल पर्सन सिंगल पजल सिंगल मार्क्स का, अल्फाबेट वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, और 5 लोग बैठे थे। बताया था आपको पी के सामने कौन बैठा था, मेरे लिए पी के सामने तो ए बैठा था, मेरा आंसर ए है। सुलॉक्स आए थे, 3 सुलॉक्स आए थे शायद, और तीनों का आंसर शायद एक में 1 3 आ रहा था बीच में गलत, और किसी में शायद सिर्फ सेकंड फॉलो आ रहा था, सेकंड फॉलो आ रहा था किसी में सेकंड फॉलो आ रहा था, ये शायद उसमें था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था, इनक्वालिटी वाला आया था, जिसने ऐसे करके बॉक्स बना के करा है उसके लिए काफी होगा। मतलब जो ड्यूएबल क्वेश्चन थे वो तो मैंने ऑब्वियसली मैंने कर ही लिए थे, ड्यूएबल ड्यूएबल के बाद ही मेरे सिर्फ 11 अटेम्प्ट हुए थे, कुछ नहीं भरा था, सिर्फ स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले क्वेश्चन भी भरे थे, बहुत सारे क्वेश्चन भरे थे स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले, पजल एक भी पजल नहीं थी। मतलब जो होता है ना कि कम से कम 4 पजल तो आपको देनी चाहिए, मेंस का था, मेंस लेवल का पजल था, मेंस लेवल का एग्जाम था, लेकिन एक भी पजल नहीं, मुझे एक पजल के नाम पे तो कुछ भी नहीं मिला, वो एक सिंगल पजल थी जो मैंने बताई आपको। बाकी कोडिंग डिकोडिंग आई थी, नंबर वाली आई थी, कोई लॉजिक नहीं, मैंने उसे ट्राई भी नहीं करा, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट था मेरे लिए, तो टाइम वेस्ट था, है ना, मैंने ट्राई भी नहीं करा। हाँ, एक क्वेश्चन आए थे वो वाले, जो 3 क्वेश्चन आए थे मैंने वही करे हैं, जिसमें रो 1 रो 2 रो 3 नंबर दे रखे थे, ऐसे करके नंबर दे रखे थे, और उनकी कंडीशन भी लिख रखी थी, बस ये बताना था आपको कि वन वन रो का और सेकेंड और थर्ड का प्लस मिला के इनका डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, वो नंबर आपको बताना था कि 36, 2 बार 36 आया मेरा इसमें शायद, है ना, 2 बार 36 आया है मेरा आंसर आया है, और इसमें कंडीशन दे रखी थी जैसे इवन इवन आपको फॉलो कर रहा है तो उसका डिफरेंस, मतलब सिंगल चीज नहीं लिखी थी, उसका डिफरेंस और फिर उसमें भी इनटू मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, ऐसी करके चीजें लिखी थी, डिवाइड और फिर उसमें उसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 तो नहीं, लेकिन +2 ऐसा करके लिखा था, किसी किसी में ऐसा भी था, किसी किसी में था ऐसा कि इवन इवन और उनका डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा उसको प्लस करो उसमें से जो लार्जर होगा, जैसे कि यहाँ 22 लिखा है, यहाँ पे 18 लिखा है, डिफरेंस आया 4, 4 ऐड करना है आपको 22 में, 4 और 26 हो जाएगा, फिर आपको ऐसी भी चीज लिखनी थी, इवन स्क्वायर के साथ हो रहा है, ऑड ऑड के साथ हो रहा है ना, बहुत सारी कंडीशन थी, एक नहीं थी कम से कम 7 कंडीशन थी, 7 या 8 कंडीशन थी, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, बहुत टाइम वेस्टिंग वाला, मतलब ऐसा बना के रखा था कि आपका बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट हो जाए। 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने करे हैं इसमें, और एक और क्वेश्चन था जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वाला कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग एक टाइप से समझ सकते हो, जिसमें पी क्यू एम एन ओ पी एम एम एन ओ पी एम एन ओ पी इनका कोड दे रखा था, स्टार हैशटैग ऐसे करके कोड दे रखा था, बाकी सबको 1 से लेकर 9 तक नंबर दे रखा था, ए बी सी जितने कॉन्सोनेंट है, वॉवल के लिए अलग चीज दे रखी थी, ये भी मैंने ट्राई करा है करने का, लेकिन मैंने करा नहीं है क्योंकि नहीं बच रहा था, इसमें टाइम काफी इन्वेस्ट करना पड़ता, मेरे को मुझे लग रहा है 7 मिनट इन्वेस्ट करना पड़ता तब जाके मेरे 1 2 क्वेश्चन हो पाते, मतलब वो कंडीशन नोट करने में इतना टाइम लग जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने करे नहीं है, करा मैंने सिर्फ यही वाला है जो ऑड इवन वाला बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन आए थे, इस बार मैं लिख के नहीं लाया भाई, देखो मैं याद नहीं कर पाया इस बार क्योंकि मेंस का पेपर था और मैं लिख के भी नहीं ला पाया, ठीक है, और इतना अच्छा हो गया भी नहीं जो मैं लिख के लाऊं। मेन जो बता रहा हूं मैं कि रीजनिंग में एक भी पजल जो मुझे लगता है आई हो, जो मेरे हिसाब से पजल हो, बस वो 13% वाली, उसके अलावा ठीक है, तो रीजनिंग का तो ऐसा गया भाई, है ना। मैथ में बता दूं, मैथ में ठीक है तो अच्छा गया, मैथ में यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं हम, मैथ में मेरा 23 गया था, मैंने बता दिया आपको, 23 में मतलब ठीक ठाक गया मैथ, मेरी एक बार वाली पाई चार्ट वाला बन गया था जिसमें एक में 72 डिग्री आंसर आ रहा था, वो बन गया था, उसमें ए बी सी और डी के बारे में डेटा दे रखा था, ठीक है, वही डेटा आपको निकालना था, काफी इजी था, नीचे दे रखा था एक्स का वैल्यू निकालना था, एक्स का वैल्यू नीचे दे रखा था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, उसमें शायद 3 बन रही थी, है ना, 3 बन रहा था, ये कुछ कुछ बन रहा था, मतलब आसान से इसका डेटा निकल गया था, है ना, ये एक आंसर आ रहा था जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ सही बनी कि नहीं बनी है। अर्थमेटिक के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के अच्छे क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन मेरे में वही आया था कि 3 साल पहले ए और बी, सॉरी 6 साल पहले ए और बी की डिफरेंस, वो एज का रेशियो ऐसा था, 10 साल बाद उनका 3-2 3-4 था, ऐसे समथिंग कुछ था, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कितना बना था 32 48 16 की वैल्यू इसमें इसने, और फिर इसमें 6 आगे जोड़ दो तो 38, इसमें 6 आगे जोड़ दो 54, इस फिर इसमें बोल रखा था। अब जो ये वैल्यू आई है, प्रेजेंट एज आई है ए और बी का, सी के ए और बी का, फिर सी के बारे में बताना था आपको एक्स और वाई के टर्म में, और मतलब काफी ऑप्शन में काफी वो था, आसान अर्थमेटिक के जो आंसर वो आसानी से निकल रहे थे। अच्छा, मैंने अटेम कर लिया था, अच्छा खासा अटेम कर लिया था, मेरे लेवल के हिसाब से मैंने 23 अटेम कराए, लेकिन ठीक है और अटेम हो सकते थे इसमें, तो मुझे लग रहा था ड्यूएबल है, ठीक है, तो
ये एक डीआई जो मुझे ध्यान आ रही है मैंने वो बता दिया आपको, कुछ अच्छे कुछ क्वेश्चन बता दिए मैंने, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने करे हैं, है ना। और तो मुझे अब कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। फिर आते हैं हम लोग जीए में। जीए में मुझे लग रहा है कि मैंने कितना करा है, 24 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के ही मैंने अटेम्प्ट करे हैं इस बार, कोई भी मतलब ज्यादा आगे तुक्का इधर उधर नहीं मारा है, तब भी 24 आप कह सकते हो ज्यादा है मेरे, लेकिन मैं तुक्का इस बार नहीं मारा है। उद्यम है ना, वही आपका जो आरबीआई ने अभी अभी इशू करा है ना, एक स्कीम इशू करी है कि अनक्लेम्ड, हाँ अनक्लेम्ड मनी, अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है वो वापस कर दो, जिनका है 100 डेज 100 वाला जो है ना उसका, वो पूछा गया था आरबीआई का, और पूछा था थ्रेड, थ्रेड किसने लॉन्च करा है, ठीक, बच्चे बच्चों को पता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ गए थे तो थोड़ा मनोबल बढ़ा देते हैं, थ्रेड किसने मेटा वाला आंसर है इसका तो, है ना आपको पता ही है। और ऐसे मुझे कुछ और मुझे अभी अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, यही दो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे थे जो इजी क्वेश्चन थे, जो मेरे अभी दिमाग में छपे थे वही क्वेश्चन याद आ रहे हैं। तो ये जीएम तो ये क्वेश्चन याद आया, करा है मैंने। इंग्लिश में मैंने 33 अटेम्प्ट करे हैं, कह सकते हो ज्यादा अटेम्प्ट है, लेकिन मैंने मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से ठीक करे हैं, 40 40 होते हैं ना, 40 क्वेश्चन होते हैं, 33 अटेम्प्ट करे मैंने। एरर वाले सारे पार्ट छोड़ दिए, इजी आया था, मुझे लग रहा था वर्ड वर्ड रिप्रेशन सारे इजी थे, है ना, कोई भी अलग अटपटा सा भी नहीं आया। जो रीअरेंजमेंट होते हैं, है ना, 1 2 3 4 चार लाइन दे रखी थी ABCD करके, है ना, उसको आपको रीअरेंज करना था, काफी इजी था मेरे हिसाब से, तो काफी इजी था। हाँ, आरसी थी वो डिफिकल्ट थी, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आरसी में ही छोड़े हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आरसी में ही छोड़े हैं, बाकी मैंने सारा अटेम्प्ट करा है। अगर इस सबका टोटल करा जाए तो मेरे हिसाब से 99 आ रहा है ना, 200 में से 99 मैंने अटेम्प्ट करे हैं, बहुत ही कम अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से, बहुत ही कम अटेम्प्ट है। और आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं इतनी उम्मीद रख नहीं रहा हूँ इसका, वैसे भी अब जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को आएगा, है ना। अब काफी लोग कह देंगे कि हाँ ठीक है कट ऑफ शायद में भी कम चली जाए, लेकिन ठीक है कितनी भी कम चली जाएगी, मुझे लगता नहीं कितनी ज्यादा ज्यादा, वैसे मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन मैंने 99 अटेम्प्ट करें, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ का मिला के तो मैं सोच रहा था 50 करूंगा, लेकिन 50 नहीं हो पाया है, बहुत ही कम अटेम्प्ट है ये मेरे हिसाब से, बहुत ही कम अटेम्प्ट है, इसमें भी मेरा गैस वर्क है, मैं अभी बता देता हूँ, इसमें भी मेरा अभी गैस वर्क है, ठीक है। बाकी इन दोनों में तो कोई भरोसा नहीं है, कभी मार्क्स आ जाएंगे कभी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है, IBPS क्लर्क मेन से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग जो करेंगे वो करेंगे हम सिर्फ IPS PO मेन्स पे फोकस, पीओ मेंस। हाँ तो ये चीज और बतानी थी कि हाँ जो मॉक टेस्ट के हिसाब से कैसा आया था एग्जाम, मॉक टेस्ट के हिसाब से बहुत ही अपर लेवल आया था, बहुत ही अपर लेवल, कह सकते हो कि आप 85% अप पेपर आया था, है ना, टीबी का मिलाओ तो, ठीक है, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, मुझे पता है कि किसी किसी के टीबी में भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, है ना, टीबी में मतलब आपको 5 पजल मिनिमम तो मिलनी ही मिलनी है, आप कोई भी अभी देख लेना, कोई भी मॉक टेस्ट उठा के देख लेना, ठीक है, कोई भी सेक्शन का 5 पजल मिनिमम, 5 नहीं तो 4 4 पजल आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी गाइड लेकर ले लो, उसमें भी 4 पजल आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। SK का भी ले लो, मैं यही 3 लगाता हूँ, इन्हीं 3 के बारे में बता रहा हूँ, इसमें भी आपको 4 पजल मिलेंगी ही मिलेंगी, तो मतलब मैं वो भी बता रहा हूँ कि कम से कम इसमें पजल मिलती तो है, उम्मीद जगती तो है, लेकिन इससे भी 85% अप, इससे तो चलो गाइड लेके आसपास आया था, 10% आप कह सकते हो, है ना, लेकिन मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि एक एक मार्क्स के इतने छोटे छोटे क्वेश्चन जो डिजर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, इतना सारा टाइम 5 5 मिनट एक क्वेश्चन में चला जाएगा आपका, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे, है ना। एसके के लेवल से भी ऊपर था मेरे हिसाब से, तो ऊपर था, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक, मुझे इतना वाला डिफरेंस पता लगा है, ठीक है। तो मैं अभी IBPO के लिए तो मैं ऑब्वियसली देखो लगाऊंगा तो सारे मेरे पास सारे मॉक टेस्ट हैं, 10 10 मॉक 10 मेंस के मॉक टेस्ट सब में मिलते हैं, ठीक है, 10 10 10 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, 30 मॉक टेस्ट मैं सारे ही लगाऊंगा, है ना, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है, कहीं से भी करो, ठीक है, अपलोड करूंगा, देखूंगा, एक दो वीडियो में अपलोड करने का ट्राई करूंगा। टीबी का मैं इसलिए अपलोड करता हूँ कि एटलीस्ट उसमें डुएबल तो है, मैं 45 के 45 मिनट या फिर 60 मिनट बैठा तो नहीं रहूंगा ब्लैंक बन के, इसलिए मैं टीबी का अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ईजी होता है मुझे अपलोड करने में, आसानी रहती है, थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बाकी मैं प्रैक्टिस तो सभी से करता हूँ, गाइडली एस के सबसे करता हूँ, है ना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड रखते हैं, और जो मैंने आपने आपको चीजें बताई ही दी हैं अपने रिव्यू के बारे में, अपने अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना बता देना कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, जिससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कट ऑफ कहाँ कहाँ तक जाने वाली है, कितने कितने कहाँ कहाँ तक करे हैं अटेम्प्ट, है ना। देखते हैं, मुझे कुछ इतनी ज्यादा उम्मीद है नहीं इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले पेपर से, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि RRBPO में तो उम्मीद थी मेरी, और काफी अच्छे मार्क्स आए हैं उसमें, जिनको पता है मेरे रीजनिंग और मैथ में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, जितना मैंने करा था 90% आप एक्यूरेसी समझ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर तो मैंने बता ही रखा है मार्क्स अपने,
बाकी बोलते रहते हैं कि भाई मार्क्स अपलोड करो, स्कोर कार्ड अपलोड करो। देखो मैं स्कोर कार्ड मैंने कभी अपलोड करा ही नहीं है अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे। कभी करा होगा तो हाँ, मैंने फोटो वोटो कहीं लगा दी होगी मैं मार्क्स दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कभी ऐसे यूजली मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा माइंड सेट अलग है कि मैं हाँ एक साथ दिखाऊंगा सारे मार्क्स, अगर पेपर निकल जाता है तो कोई सा मेरा, ठीक है तब तक नहीं। और वैसे भी कुछ दिखाने लायक नहीं है, आरआरबी पीओ का जो मैं मार्क्स बोल रहा हूँ मैं बार बार, जो काफी लोगों ने पूछा भी था मुझसे, वो दिखाने लायक है भी नहीं मार्क्स, है ना, बिल्कुल मतलब बेकार, बहुत बेकार मार्क्स है। बाकी रीजनिंग और मैथ के मैंने ऑब्वियसली मैंने मार्क्स बताई दिए, अब इतना हिंट दे देता हूँ जितने मैंने अटेम्प्ट करे थे उतने ही आसपास मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी एक्यूरेसी थी, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, वो काफी डिजर्विंग पेपर था मेरे लिए, लेकिन दिस इज मतलब इसमें तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन देखो हार नहीं माननी है हमें, आईबीपीओ पे फोकस करना है, ठीक है। एक पेपर खराब हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेपर खराब हो जाएंगे, हम आईबीपीओ पे फोकस करते हैं और एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ का जो अभी प्री आने वाला है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। एंड होप सो कि आईबीपीओ का प्री निकल जाए, क्योंकि मैंने काफी अच्छा टाइम कर रखे हैं, देखते हैं, ठीक है। एंड वीडियो को यहीं पे एंड रखते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।